अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, और टुडेज़ टॉपिक फॉर डिस्कशन इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। अच्छा जी, ये जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मींस ए सेट ऑफ लॉ, यानी कवानीन का मजमूआ, इसको उर्दू में आइन कहते हैं। हम सबसे पहले इसके बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, बैकग्राउंड में हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था द स्टेप्स विच हैड बीन टेकन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, जिसमें हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसमें इख्तदार आला का मालिक अल्लाह है और हाकमियत और इख्तियार जो है वो अल्लाह के पास है, और अल्लाह ताला की तरफ से दी गई ताकत और हुक्मरानी का जो इख्तियार है वो एक मुकद्दस अमानत है। और उसमें फिर हमने फर्दर डिस्कस किया कि किस तरह से बेसिक प्रिंसिपल कमेटीज बनाई गई, इसके अलावा उनके फिर डिफरेंट ड्राफ्ट जो है वो फिर प्रेजेंट हुए असेंबली में, और फिर उसके ऊपर इख्तलाफात थे दोनों विंग्स, ईस्टर्न और वेस्टर्न विंग के। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसॉल्व किया गया, मलिक गुलाम मोहम्मद ने उसको डिसॉल्व किया था 1954 में। फिर वन यूनिट का क्याम, फिर सेकेंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और फाइनली जो एक कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सामने आया था, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। तो अगर हम इसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस करें, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ वन यूनिट द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग हैड बिकम ईजियर, बिकॉज द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स हैड बीन रिजॉल्व्ड। जो रिप्रेजेंटेशन थी वो रिजॉल्व हो गई दोनों तरफ से, क्योंकि वन यूनिट बन गया था और दो सूबे अलग अलग बन गए थे, वेस्ट एंड ईस्ट। नाउ प्रोसीड टुवर्ड्स द सैलियंट फीचर्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इसके जो मौजू खसूसियात हैं वो कौन से हैं। मौजू खसूसियात इसमें सबसे पहले हमारे पास है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के, ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है। और अगर एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की मैं मिसाल दूं, तो यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो रवायात और पहले जो पुराने ट्रेडिशंस हैं उसके ऊपर बेस करता है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसके अंदर 234 जो है आर्टिकल्स हैं, इसको 13 पार्ट्स और 6 कैजुअल में डिवाइड किया गया है। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन इट वॉज डिसाइडेड दैट देयर वुड बी ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, एक फेडरेशन होगी और इसके अंडर उसके फेडरेटिंग यूनिट्स होंगे। मतलब आज जो अगर हम देखें तो इस्लामाबाद हमारा जो फाकी हुकूमत है वहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर उसके जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं पंजाब, सिंध, केपीके, बलूचिस्तान, ये इसके फेडरेटिंग यूनिट्स हैं। और इसमें यह तय किया गया था कि जो सब्जेक्ट सेंटर और प्रोविंसेस में डिस्ट्रीब्यूट हैं उनके असूल को तय किया जाएगा और उन असूलों को फॉलो भी किया जाएगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इसमें पार्लियामानी तर्ज निज़ाम हुकूमत थी, और इसमें यह डिसाइड किया गया था कि जो प्राइम मिनिस्टर और उसकी जो कैबिनेट है वो नेशनल असेंबली को जवाबदेह होगी, यानी कौमी असेंबली को जवाबदेह होगी। बेसिक राइट्स, अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन इट वॉज डिसाइडेड दैट पीपल वुड बी गिवन बेसिक राइट्स, मीन्स द राइट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइटिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, इस तरह के जो बुनियादी हकूक है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करें तो ये है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इट वॉज डिसाइडेड दैट देयर वुड बी एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान में एक आज़ाद अदलिया होगी, जजेस हर तरह से आज़ाद होंगे, इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी और ये आज़ादी से अपने वर्डिक्ट और फैसले सुनाएंगे अदालतों में। अब ये कितने आज़ाद है ये भी आपके सामने है। फ्रॉम 1947 टू डेट कितने ब्लंडर्स हुए हमारी जो जुडिशरी में, और जुडिशरी ने कितने बहुत ज़्यादा ऐसे गलत फैसले दिए जो कि हमारे सामने हैं, और आप बेहतर जानते हैं उन फैसलों को। सिंगल सिटीजनशिप, अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन देयर वुड बी अ सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि अगर हम बात करें तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेरिकन सिटीजन्स के लिए डुअल नेशनलिटी रखना जो है वो इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ओनली देयर वुड बी ए पाकिस्तानी सिटीजनशिप, यानी सिंगल सिटीजनशिप होगी। फ्लैक्सीबल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये एक लचकदार कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको अमेंड करना चेंज करना आसान है, सिर्फ जो आपकी नेशनल असेंबली यानी कौमी असेंबली है वहां से दो तिहाई अक्सरियत की जरूरत है। यानी फॉर एग्जांपल अगर असेंबली में 100 मेंबर्स हैं तो उसमें से 73-74 मेंबर्स ये फैसला दें कि जी ये कानून इस तरह बनना चाहिए, तो वो उस तरह फिर अप्रूव होगा और वो उस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, यक एवानी मुकन्नना, लेजिस्लेचर मीन्स लॉ मेकिंग बॉडी, तो यक एवानी मुकन्नना थी यहाँ इसमें, यानी एक एवान था। अब मौजूदा जो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो मौजूदा हमारा मुकन्नना है वो दो एवानी मुकन्नना है, यानी अपर हाउस सेनेट, लोअर हाउस नेशनल असेंबली या कौमी असेंबली। उस वक्त इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर सिर्फ यक एवानी मुकन्नना था, यानी सिर्फ नेशनल असेंबली थी जिसमें 300 मेंबर्स थे, और इन 300 मेंबर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया था ईस्ट एंड वेस्ट विंग में। द नेशनल लैंग्वेज, अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन बंगाली एंड उर्दू वर इंट्रोड्यूस्ड एज नेशनल लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान, एंड इंग्लिश वॉज रिटेन्ड फॉर अनदर 25 ईयर्स,
एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री. अब नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट वॉज एम्पावर्ड टू डिक्लेयर एनी लॉ रिपग्नेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन. ये सुप्रीम कोर्ट की एम्पावरमेंट की बात की गई इसमें. ये तो थे कुछ मौजू खसूसियात, सैलियंट फीचर्स. नाउ इफ यू विल प्रोसीड टुवर्ड्स द इस्लामिक प्रोविजंस ऑफ 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इसमें जो इस्लामी दफात थे वो क्या थे वो हम डिस्कस करेंगे. नंबर वन, नेम ऑफ द कंट्री. अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान वॉज डिक्लेयर्ड एज एन इस्लामिक रिपब्लिक, यानी पाकिस्तान को एक इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया. ये एक मुल्क का नाम था इसमें. नंबर टू, सॉवरेनिटी ऑफ अल्लाह, यानी कि अल्लाह ताला सबसे मुक्तदर जात है. हाकमियत और रूलिंग की जो असल पावर है वो अल्लाह के पास है. नंबर थ्री, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. अच्छा जी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को हमने डिटेल में डिस्कस किया था. अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. यानी प्रीएम्बल का मतलब है दिबाचा, उर्दू में इसको दिबाचा कहते हैं. तो दिबाचा का मतलब है कि स्टार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, बिल्कुल किसी डॉक्यूमेंट का आगाज जब होता है. आप जो ही आइन खोलेंगे 1956 का, और ये फिर बाद में 1962 और 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रीएम्बल का हिस्सा बनाया गया. ये बिल्कुल आइन का आगाज है, स्टार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट है. यहां ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को रखा गया, एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज द फर्स्ट स्टेप फॉर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग. ये आइन बनाने के लिए पहला कदम था. अब भला ये है क्या, पहले भी मैंने आपसे डिस्कस किया था अपने लास्ट लेक्चर में. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मींस दैट द सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्माइटी अल्लाह, एंड द अथॉरिटी डेलीगेटेड बाय अल्लाह टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान इज सेक्रेट ट्रस्ट. यानी जो इकतदार अल्लाह का मालिक है वो अल्लाह है, यानी असल हुक्मरान अल्लाह है. और अल्लाह की तरफ से दी गई ताकत और हुक्मरानी का जो इख्तियार है वो एक मुकद्दस अमानत है. यानी अल्लाह पाकिस्तान में चुने गए कोई भी या सिलेक्ट किए गए कोई भी हुक्मरान होगा, उसको जो ताकत देता है, हुक्मरानी का इख्तियार देता है, वो एक मुकद्दस अमानत है. He should regulate the affairs of this state according to the commandments of Allah the Almighty. जो अल्लाह ताला के अहकामात है उसके मुताबिक उसको रूल करना पड़ेगा. अपार्ट फ्रॉम दिस, दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रोवाइडेड इक्वालिटी, फ्रीडम, सोशल जस्टिस एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी. नाउ प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज प्रेजिडेंट टू बी ए मुस्लिम. इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ये डिसाइड किया गया कि जो सदर होगा पाकिस्तान का वो मुसलमान होगा. ये एक शर्त रखी गई थी. इस्लामिक लॉ, अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक लॉ शैल बी इन्फोर्स्ड इन द कंट्री. जी, इस्लामिक लॉज को जो है इन्फोर्स किया जाएगा. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक रिसर्च, इसमें ये बात की गई कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी, और इस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का काम यह होगा कि वो इस्लामी असूलों और इन असूलों की लेजिस्लेशन और इन्फोर्समेंट के लिए काम करेगी. एलिमिनेशन ऑफ रिबा, रिबा का मतलब है सूद. Under this constitution, it was decided that riba will be eliminated and Pakistan will be free of riba, यानी पाकिस्तान को सूद से पाक किया जाएगा. अब ये भी आपके सामने है कि हमारी इकोनॉमी कितनी सूद से पाक है. इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अगेन ये बात की गई थी, ये उधर सैलियंट फीचर्स में भी हमने इसको डिस्कस किया था. इंडिपेंडेंट जुडिशरी की आज़ाद अदलिया होगी, और जो जजेस फैसले देंगे, वर्डिक्ट्स देंगे, वो आज़ाद और इंसाफ पर मबनी फैसले देंगे. तो 1947 टू डेट, मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से लेकर आज, फायज ईसा जो हमारे काजी फायज ईसा हैं, जो कुछ दिनों पहले उन्होंने एक डिसीजन दिया था, आपके सामने है कि ये जजेस कितने आज़ाद हैं और ये जजेस कितना इंसाफ करते हैं, ये हम सबके सामने है. नाउ प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज. Under this constitution, it was decided that minorities should enjoy equal rights. के minorities को equal rights दिए जाएंगे. जो भी इस मुल्क में सिख हैं, Christians हैं, Hindus हैं, Farsis हैं, उनको ये हक होगा कि वो अपने religion को अपने तरीके से practice करें. उनकी life और property की जो security है उसको ensure किया जाएगा. लेकिन 1947 to date आपके सामने है कि कितना इसको ensure किया गया है, ये हम सबके सामने है, आप बेहतर जानते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज द इस्लामिक वैल्यूज. मुल्क में इस्लामी कवानीन का नफाज होगा और जिंदगी को हम इस्लामी कवानीन के तहत चलाएंगे, लेकिन इन इस्लामिक वैल्यूज में हमने कितने इम्प्लीमेंट किए और इनको कितना अमली जामा पहनाया, ये भी आपके सामने है. अगर हम इसको कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं कि द स्टेप्स विच हैड बीन टेकन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, के जो इसके लिए इकदाम किए गए उस वक्त और जो स्टेप्स लिए गए आइन बनाने के लिए, उसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से लेकर लास्ट बेसिक प्रिंसिपल कमेटी का जो ड्राफ्ट था चौधरी मोहम्मद अली के दौर में,
इट टुक ऑलमोस्ट 9 to 10 years, 9 साल 10 साल लग जाते हैं आपको आइन बनाते हुए, और आपके हमसाया में इंडिया सिर्फ 1 or 2 साल के अंदर अंदर अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते हैं। उसकी वजह यह थी कि उस वक्त भी पॉलिटिकल रिफ्ट और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी पाकिस्तान में, जो आज तक उसी तरह से है। तो आज़ादी हासिल करते बाद ही हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, पॉलिटिकल रिफ्ट, और फिर एक साथ ही में अनटाइमली डिमाइज ऑफ कायदे आज़म, लीडरशिप क्राइसिस, इनिशियल प्रॉब्लम्स उसमें से आपके फाइनेंशियल इश्यूज से लेकर बहुत सारे इश्यूज थे, बिकॉज पाकिस्तान वॉज अ न्यू बॉर्न कंट्री एट दैट टाइम। साथ ही में अगर हम ये देखें तो 7 प्राइम मिनिस्टर्स, 8 कैबिनेट्स एंड 4 गवर्नर जनरल्स केम वन आफ्टर दी अदर्स। इमेजिन, मैं हमारे हमसाया मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त जवाहरलाल नेहरू, वो कहते हैं कि मैंने अपनी धोती इतने बार तब्दील नहीं की कि जितने ये आए रोज प्राइम मिनिस्टर्स तब्दील करते जा रहे हैं। तो ये थी कहानी 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन की। अनफॉर्चुनेटली दिस कॉन्स्टिट्यूशन रिमेंड ओनली फॉर 2 years, एंड इन अक्टूबर 1958 दिस कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एब्रोगेटेड by General Ayub Khan and he imposed martial law in Pakistan on 7th of October 1958. Actually, General Ayub Khan did not impose martial law on his own, rather he was invited by President Sikandar Mirza. और आपको एक बात और समझाऊं, यहाँ पर जो गवर्नर जनरल की सीट थी, जो ही 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो गवर्नर जनरल की सीट को रिप्लेस किया गया प्रेसिडेंट के साथ। प्राइम मिनिस्टर का तो लियाकत अली खान से उसी तरह चलता आ रहा था, और 1956 में कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो उस वक्त का जो प्राइम मिनिस्टर था वो चौधरी मोहम्मद अली थे, और इसको सिर्फ 2 साल बाद जो है एब्रोगेट किया गया और अयूब खान ने मार्शल लॉ लगा दिया। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अयूब खान का जो एक मिलिट्री एरा है उसको डिस्कस करेंगे फ्रॉम 1958 टू 1979-70। नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।